हेलो गाइस, हर हर महादेव। सो गाइस, आज मैं अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। इस बार मैं जा रहा हूँ अपना उड़ीसा की तरफ, जगन्नाथपुरी। तो इस बार का जो सफ़रनामा है ये अपना बाइक पे नहीं है, ये है एक्चुअली ट्रेन में। तो ट्रेन है अपनी 11:45 की, टाइम हो रहा है अभी 9:15। तो निकलते हैं, चेकआउट करते हैं यहाँ से अपना घर और मिलेंगे आपसे अभी थोड़ी देर में रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों फाइनली ऑटो मिल गया है बहुत मशक्कत के बाद और मेन रोड पे पहुंच चुका हूँ। ये देखते हैं आप, तो अभी हार्डली लगेगा 1 से 1.5 घंटा लगेगा सीतामढ़ी स्टेशन पहुंचने में और वहाँ पे ट्रेन लग जाएगी अपना 11:45 पे। तो फर्स्ट टाइम है मेरा ट्रेन में सफ़र, सुनो देखते हैं कैसा रहेगा। और कल पहुँचेंगे हम रोरकेला, क्योंकि मैं डायरेक्ट दिल्ली नहीं जा रहा, मेरा फ्रेंड मिलेगा रोरकेला में और वो फ्रेंड मैं आपको जाके बताऊँगा कि कितना स्पेशल है, क्योंकि 4 साल बाद मिलना होगा। हम दोनों साथी बैठे हैं यहाँ पे, हमारी ट्रेन एक्चुअली 6 घंटे लेट हो गई है, दिक्कत ही आ रही है। और ये भाई साहब छोटू का सामान यहाँ पे रखा है, पेरेंट्स गए हैं अभी कुछ देखने के लिए। अब देखते हैं कितनी देर में आएगी, क्योंकि 6 घंटे एक्सपेक्टेड टाइम है, बट कंफर्म नहीं है कि कितनी देर में पहुँचेगी। सुबह 11 बजे से बैठा हुआ हूँ, ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, बट शाम के 7:30 बज चुके हैं, ट्रेन नहीं लगी है। बैठे बैठे चुस्की मारने का मन किया तो दूध ले लिया। अब वेट कर रहे हैं कि ट्रेन कब तक लगेगी, और ये भाई भी मेरे साथ वेट कर रहा है बहुत टाइम से। तो फाइनली ट्रेन मिल चुकी थी और अपना डिनर वगैरह हो गया है, बस सोने की तैयारी है थोड़ी देर में। और ये पीछे से जो इंजन के ब्लास्ट की आवाज़ आ रही है, सोने का टाइम हो चुका है। ट्रेन में पहले दिन सोने का दिन है, बट इतने खर्राटों में नींद कैसे आए वो समझ नहीं आ रहा है। बस सोचते हैं, देखते हैं कि नींद आ जाए कितने खर्राटों में। खर 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 एक्चुअली मेरा उड़ीसा जाने का मेन पर्पस ये है कि आज से 4 साल पहले मैं एक लड़की से मिला था लद्दाख में, मूनलैंड, उसका नाम है सारा। और वो बेसिकली जो बिलोंग करती है नेपाल से, एंड जो उसका भी करंट होम टाउन एरिया है, मतलब उसका जहाँ पे रहने का है, वो है अब उड़ीसा में। तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, और महादेव ने चाहा तो साथ लेके भी आ सकता हूँ शादी करके। वैसे अन्न के लिए कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए, बट इससे वाहियात खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे उमरिया विलेज, यहाँ पे वेट हो रहा है, अभी हॉल्ट ले रखा है ट्रेन ने। आई थिंक यहाँ पे सफाई हो रही है ट्रेन की, सकते हैं आप कुछ ऐसा है। यहाँ पे छोटे छोटे प्यारे साफ सुथरे से स्टेशन है, ये देखिए कितने नीट एंड क्लीन। ट्रेन में आपको कुछ ऐसे ज्ञानी लोग भी मिलेंगे जो ज्ञान बांटने के चक्कर में आपकी सीट को घेर लेंगे, तो वही हुआ था। इन अंकल ने बहुत ज्ञान बांटा, एंड में मेरे को खुद थकार के इनको बोलना पड़ा कि मेरी सीट से हट जाइए आप। तो अभी बिलासपुर पहुंची है ट्रेन, चाय पीने के लिए रुका था क्योंकि अंदर कैंटीन में चाय नहीं मिल रही थी। तो ये बिलासपुर का स्टेशन है अपना, बस पकोड़े खाए जा रहे हैं, चाय पी जा रही है, वेट हो रहा है अपना रॉयल कॉल पहुंचने का। पता नहीं कब तक पहुंचूंगा, ट्रेन ऑलरेडी 14 घंटे लेट है। पहली बार ही तगड़ा वाला एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ। ये ट्रेन बहुत ज़्यादा ही स्टॉप ले, हद से ज़्यादा ही वेटिंग पे है, तभी इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है पहुँचने में। ये देखिए 10-15 मिनट हो गए हैं, एक ही जगह पे खड़ी हुई है, पता नहीं क्या है क्या नहीं, स्टेशन भी नहीं है। और ये झांसुगोड़ा स्टेशन आने वाला है, तो इसलिए सब पैसेंजर लग गए हैं लाइन में। सो गाइस, 3 बज रहे हैं और अभी ट्रेन पहुंची है झांसुगोड़ा, और ये विलेज झांसुगोड़ा अपना संदीप धूरी, तुम्हारा गांव बहुत दूर ही है, सही में दूर ही है। जो 2 दिन से जर्नी स्टार्ट की थी फाइनली अब पूरी होने वाली है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे अपना 4-5 बजे तक अपना रोरकेला। फिर उसके बाद देखेंगे कि रूम कहाँ पे लेना, कितने बजे स्टार्ट होगा, बट पहले अभी अपना जंक्शन पे पहुंचें, देन उसके बाद देखेंगे कि वेटिंग रूम वगैरह वेटिंग हॉल में वेट करेंगे, देन दिन निकलने के बाद अपना रूम सर्च किया जाएगा। तो आज डे 2 है। हर हर महादेव दोस्तों। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं अपना रोरकेला जंक्शन। तो 6:15 पे मेरे को ट्रेन ने यहां पे छोड़ दिया था, अब यहां पे जो मेन टास्क है वो है अपना रूम सर्च करना।
तो एक भाई ने बताया यहाँ पे रूम देखने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आउट करूँगा, देन राइट में मुड़ना है। तो वहाँ पे चल के देखते हैं रूम का कि क्या कॉस्टिंग आती है क्या नहीं। सफ़र बहुत अच्छा रहा, सफ़र ने बहुत कुछ सिखाया। ट्रेन में पहली बार मेरा सफ़र है सोलो, वो भी बहुत मज़ेदार। इस लाइन में पूरे में ये होटल ही होटल है, मगर सुबह सुबह कौन देता है रूम भाई। सुबह सुबह होटल ढूंढते हुए कसरत हो गई और पेट पूजा लगाई, और पेट में जब तक कुछ जाएगा नहीं तब तक दिमाग काम करेगा नहीं। तो यहाँ पे एक रास्ते में स्टॉल मिल गया था पूड़ी और जलेबी और छोले के साथ, तो इसकी कॉस्टिंग आई थी अपना 20 रुपीज़। तो वो रास्ता आ रहा है स्टेशन से और ये सीधा यहाँ पे आके आपको रूम वगैरह मिल जाएंगे अच्छे खासे। तो पोपट हो चुका है, पीछे जो पॉल होटल करके है वहाँ पे 840 रुपये का रूम है और हमने लिया है सामने। तो सामने जो रूम की कॉस्टिंग है वहाँ पे आई है हमारे को 1000 रुपये। तो ये देख सकते हैं होटल ग्रैंड और ऐसे ऐसे हैं यहाँ पे। तो अपना ये आ गया, वही कहते हैं भाई इस होटल शुभम के चार्जेज है 1700 रुपये। तो ये है अपना होटल जिंदल करके। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं अपना रोरकेला। तो मैंने यहां पे रूम ले लिया था, ये मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं, ये रूम मेरे को पड़ा है 1000 रुपीज़ में। डबल बेड है, अगर 2 पर्सन होते तो मेरे को 5500 शेयरिंग हो जाता, बट मैं अभी सोलो हूं तो 1000 रुपीज़ का मेरे को यहां पे रूम मिल गया है। नियरली अपना रोरकेला स्टेशन से हार्डली होगा 500 मीटर की दूरी पे। तो यहाँ पे बहुत सारे अपना होटल्स हैं, आप आएँ और अपना विजिट करें कि आपको कितने अकोमोडेशन में चाहिए। तो मैंने ये ले लिया था बट मैं इसके आगे गया थोड़ा, तो वहाँ पे मेरे को 800-700 ऐसे डबल बेडरूम मिल रहे थे, बट अब कोई नहीं, अब यहाँ पे ले लिया था मैंने, चेक इन करा लिया था, तो इसलिए अब यहाँ से मूव तो कर नहीं सकते। तो देखते हैं अगर कल यहाँ पे एक्स्ट्रा रुकना पड़ा तो कल वहीं पे ही स्टे होगा। अभी घूमने के लिए निकला हूँ थोड़ा बाहर और ये पहला ही चौक आया, एक ट्रैफिक चौक बोलते हैं इसको, और आई थिंक वहाँ पे है वैष्णो देवी मंदिर। अभी वेट कर रहा हूँ मैं अपनी फ्रेंड का, वो खड़ी है बाहर है। और अभी प्रसाद लेंगे बाद में। प्रसाद अंदर नहीं मिलेगा यार, ये यहाँ पे मार्केट है, अभी ये यहाँ से मंगलसूत्र खरीदेगी। भगवान की मूर्तियाँ सब पड़ी है देखो, पूजा की सामग्री सब है, पूजा के बर्तन। खाली है यार एकदम, शांत है। दोपहर है, कपाट भी बंद होंगे ना, शाम को खुलता है इसलिए तो मैं बोली चलो शाम को। लाइट नहीं होगी ना फिर यहाँ पे, तो होगी ना पूरा लाइट लगे रहेगा। चलो कोई नहीं, तुम्हें घुमाते हैं। वो उड़िया मेरे को नहीं आती ना। तुमको जो भाषा आता है वो भाषा तो यहाँ पे दिखेगा नहीं।
तुम तो उठ गई होगी जल्दी आज। नहीं, 10 बजे उठी थी। तो ये है अपना हनुमान जी का जो टेंपल है रोरकेला में, ये है। तो बहुत देर से चले ही जा रहे हैं, रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, बट रेस्टोरेंट मिल नहीं रहा है। इन दोनों की करामात है, इन दोनों की वजह से रेस्टोरेंट नहीं मिल पा रहा है। पेट पूजा लग रही है मगर रेस्टोरेंट नहीं मिला है अभी तक। फाइनली 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है, मगर इनको अपने सूट खरीदने और मेरे वादे हो गए हैं अच्छे खासे। तो अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड का फ़ोन ख़राब हो गया है तो फ़ोन रिपेयर कराने के लिए आए हैं पीछे वाली शॉप पे। ये रही दोनों परेशान आत्माएं, बहुत देर लगा दी भाई। देखो फोन ठीक कराने के लिए कैसे कंट्रीब्यूशन हो रहा है। इसे कहते हैं दोस्ती। खाना खाएर हामी हाम्रो रुममा जाँदैछौँ। अब हम एक्चुअली डिनर करके अपने रूम पे जा रहे हैं और ये आवाज थी मेरे हम सफर की। अब देखी जाएगी। सीधा कर जाएंगे। कोई क्लास नहीं है, कोई खानदान नहीं है, क्या पता सीरियल में ऐसे होते हैं। चलो। तो ये पूरा राउरकेला घुमाएगा। हाँ। तो कितनी देर में पहुंचाएगा? तो 1 घंटे में पहुंचाएगा। तो चलो उड़ीसा आ गया, उड़ीसा की बस में भी घूमने का एक्सपीरियंस हो गया दोनों को, और इनको तो पहले से ही है, मुझे हो गया। यहाँ पे होती है लाइटिंग ना, सारे जो पोल तो ये हम पहुंच चुके हैं लाठीकटा। तो ये हाईवे से उतरते के साथ ही है नीचे। दिखाओ तुम सूटकेस दो तुम्हारे बच्चे। तो ये देखिए, ये है लाठीकटा विलेज। सिटी है, विलेज है, टाउन एरिया है। तो यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, अब ये देखते हैं, हमें जाना है लेफ्ट में। थोड़ा ऑफ रोड ट्रैक है, फीलिंग आ रही है ऐसी उत्तराखंड वाली मस्त। तो ये रहा कुछ ऐसा गांव, शेड है यहाँ पे दली हुई, यहाँ पे बर्फ गिरती होगी इसलिए शेड डाल रखी है कि बर्फ नीचे उतारने में इजी रहे। तुम कॉमेडी बना रहे हो, मेरा गांव का कॉमेडी बना रहे हो तुम। यहाँ पे देखिए चूल्हा भी जलता है, चूल्हे पे रोटी बनती है और चूल्हे पे ही रोटी खानी चाहिए क्योंकि गैस की रोटी एसिडिटी देती है। और ये आ चुका है मैडम का होम टाउन, ये रहा हमारा एंट्री गेट। होम टाउन नहीं है। और ये रहा हमारा आशियाना। और ये देखिए हमारी हीरोइन की फोटो। तो अपना ब्लॉग बंद कर रहे हैं, मैं फॉर्म कर दूं। अपने साइज का टेडी बियर ले रखा है। हेलो दोस्तों, शाम हो चुकी है और हम हैं सीता जी के घर पे, विराजमान यहीं पे है आज। हमारी ट्रेन की टिकट बुक हो चुकी है अपना 16 तारीख के लिए। ओहो पढ़ी लिखी। हाँ तो अब ये है कि ये इधर भी आ सकता है, जैसे मैं ट्वीट लगाऊं वहां तक वायर जा सकता है। हाँ, वायर बना सकते हैं।
वो फंसा हुआ है ना, अरे हिल गया यार, सब चलो गया भाई, कुछ नहीं होगा, कुछ भी अब हम जा रहे हैं रौरकेला की मार्केट, वहाँ से कुछ सामान लेंगे, फिर बैठ जाएंगे मंदिर और जो हमें काम करना है वो हम जाके करेंगे। वेरी गुड है ना, अब सही है। थोड़ा नहीं, बहुत कम किए, पता नहीं हमें तो लगा नहीं, आप बहुत कम किए हैं। थैंक यू मैम, नमस्कार, आइएगा फिर ऑब्वियसली, थैंक यू। ये तो चूड़ा नहीं है, ये चूड़ा ही है, ये आपको मेटल तो पहले आए थे तुम, दो अब दो से तीन हो गए। हेलो, दिखाइए। और तीन से चार हो गए, चार से ये पाँच हो गए, पाँच को मिला के छः हो गए। तो अभी यहाँ पे बस पकड़ने के लिए खड़े हुए हैं और ये जगह है कि अपना अम्बेडकर चौक, तो वहाँ से आएगी अपनी बस, ऐसी कुछ मो बस आएगी। और ये देखिए दो लड़कियाँ, तो ये है वेदव्यास धाम के लिए रास्ता यहाँ से जाने के लिए, तो एंट्री गेट बन रहा है उधर की तरफ, तो अभी जाएंगे उधर की तरफ। तो ये है वेदव्यास धाम, तो हम पहुंच चुके हैं वेदव्यास धाम पे, तो एक ऊपर भी जाके टेंपल है उधर। और यहाँ पे एक लेक है, मेरे को दिखा दो, मेरी होने वाली है साथ। हाँ, मैं उनकी फ्रेंड हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना, ये हम दोनों हैं। खाके पता चलेगा, देखने में तो बहुत सही लग रहा है। पहले ही अच्छा बनाई हूँ बोल रही हूँ। क्या कहना चाहेंगी आप, कैसा फील कर रही हैं जाने पे? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, एंड बहुत एक्साइटेड हूँ सबसे मिलने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। नर्वस? कोई नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हो गया, फाइनली हमारे को ट्रेन मिल चुकी है अपना, आई है यहाँ पे, बहुत टाइम लगाया है, अप्रॉक्स 12.5 घंटे ट्रेन लेट चली है। तो अब देखते हैं दिल्ली कब तक पहुँचेंगे। ये टू टायर ट्रेन है, आप देख सकते हैं सामने भी कि अपना टू ही है लेवल, यहाँ पे 1 एंड 2, और यहाँ पे एक लाइट दी गई है, बट इसके अंदर एक ये फीचर बेकार है कि इसमें USB पोर्ट नहीं है, क्योंकि जो अभी लास्ट टाइम मैं आया था जिसमें थर्ड टायर में, उसके अंदर USB पोर्ट था, तो इजीली मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए बहुत सही था। तो ये अपना लगेज वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है, और ये मेरी मैडम रही है रेडी होने के लिए, और हम अपने साथ लाए थे चाय बना के, और ये रही मेरी चाय की चुस्किया चलते हुए। तो गाइज अभी एक एक्चुअली सीन ये हुआ है कि मेरे फादर ने मेरे को फ़ोन किया था, बट आज अब मेरी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई है घर के अंदर। और ये देखिए सामने इनकी वार्तालाप चल रही है, आपका। तो ये रहा हमारा भोजन, और ये भोजन पकाने वाली महिला, और ये मेरे को पहला घास खिलाएंगी,
देखते हैं पहला गैस किसके मुंह में जाता है, मेरे या इनके। मगर मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहा है मोबाइल फ्लैश एंड एक हाथ में 360। अब बोल दिए तो खिलाना तो पड़ेगा। बोल के इस फ्लास्क का होना बहुत अहमियत है। गरम गरम चाय ठंडी में मारते हुए वो सो गई और मैं चाय के मजे ले रहा हूँ। अब देखो कल शाम तक या रात तक पहुँच जाएंगे दिल्ली। मैं चाय पी रहा हूँ आखिरी, और उसके बाद मैं भी सोने की तैयारी करूँगा। अपना सेटअप कर लिया है मैं सारा, बस थोड़ी देर में मिलेंगे आपसे या फिर अभी कर देते गुड नाइट। कल मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में विथ टी। ओके, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर। फॉग देखिए यार, फॉग ही फॉग हो रखा है। फॉगी वेदर इसी वजह से डिले है, नेट ऑन टाइम पे नहीं चल रही है। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं लहंगा खरीदने के लिए चांदनी चौक। देखते हैं, मेट्रो स्टेशन तो पहुंच चुके हैं और ये रहा अपना एंट्री गेट मेट्रो स्टेशन का।
आगे बढ़ रही हो, तुम पीछे रहो, तुम भी पीछे रहो। क्यों दे रहे हो, ये देखो ये पीछे इसको।